अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू द चैनल। आई होप यू आर ऑल वेल। जी सी यूनिवर्सिटी लाहौर के जो ना टेस्ट में जो ना एडमिशन ओपन हो चुके हैं, जैसे कि मैंने पहले भी एक दफ़ा वीडियो शेयर की थी कि जो ना टेस्ट के एडमिशन जो ना जल्द ओपन हो रहे हैं, तो आज जो ना अनाउंसमेंट हो चुकी है, ठीक है। इसमें जो ना आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका एडवर्टाइजमेंट फॉर्म दिखा दूँ। ये यूनिवर्सिटी की तरफ से ही बेसिकली जो ना अपलोड होते हैं एडवर्टाइजमेंट फॉर्म, ये थोड़ा सा ब्लर है, ठीक है। तो इसी को जो ना हमने मतलब यूज़ करना है। तो इसमें सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि कौन कौन से प्रोग्राम है। BS प्रोग्राम एट द मेन कैंपस जो कचहरी रोड में, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंस, जिसमें बिजनेस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, जिसमें रेगुलर ऑफ फाइनेंस सेल्फ फाइनेंस दोनों है, सेल्फ सपोर्टिंग दोनों है, कॉमर्स सिर्फ सेल्फ सपोर्टिंग है, ठीक है। डिजिटल कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी रेगुलर, इकोनॉमी जो है रेगुलर और सेल्फ सपोर्टिंग, इंटरप्रीनियरशिप रेगुलर और इंटरनेशनल रिलेशन रेगुलर और सेल्फ सपोर्टिंग, LLB रेगुलर, ठीक है। मैनेजमेंट साइंस सेल्फ सपोर्टिंग, मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडी सेल्फ सपोर्टिंग, उसके बाद फिलोसफी पॉलिटिकल साइंस रेगुलर और सेल्फ, पब्लिक पॉलिसी और सोशियोलॉजी वगैरह के डिफरेंट डिग्री प्रोग्राम है, ठीक है। जिन स्टूडेंट ने लॉ में एडमिशन लेना उनके लिए जो ना लेस जो ना कंपलसरी है, ठीक है, वो जो ना लैट टेस्ट के बगैर जो ना एडमिशन नहीं ले सकते। ये तो आपको वैसे भी पता होगा, जो स्टूडेंट जो ना लॉ में एडमिशन लेना चाहते हैं। उसके बाद फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी रेगुलर और सेल्फ सपोर्टिंग, बॉटनी रेगुलर और सेल्फ सपोर्टिंग, केमिस्ट्री रेगुलर और सेल्फ सपोर्टिंग, MLT सेल्फ सपोर्टिंग में ही सिर्फ प्रोग्राम ऑफर हो रहा है, माइक्रोबायोलॉजी रेगुलर और सेल्फ सपोर्टिंग, साइकोलॉजी रेगुलर और सेल्फ सपोर्टिंग, जूलॉजी रेगुलर और सेल्फ सपोर्टिंग, फैकल्टी ऑफ लैंग्वेज एंड इस्लामिक एंड ओरिएंटेशन लर्निंग, इंग्लिश लिटरेचर रेगुलर और सेल्फ सपोर्टिंग, पंजाबी रेगुलर और सेल्फ सपोर्टिंग, पर्शियन रेगुलर, उसके बाद जो ना तुर्किश लैंग्वेज एंड लिटरेचर रेगुलर और सेल्फ सपोर्टिंग, ट्रांसलेट स्टडी रेगुलर और सेल्फ सपोर्टिंग, उर्दू रेगुलर और सेल्फ सपोर्टिंग, उसके बाद जो है ना फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स एंड फिजिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस सेल्फ सपोर्टिंग मॉर्निंग और आफ्टरनून, इलेक्ट्रॉनिक्स रेगुलर और सेल्फ सपोर्टिंग, इन्वायरमेंटल साइंस रेगुलर और सेल्फ सपोर्टिंग, उसके बाद जेंडर एंड क्लाइमेट चेंज रेगुलर एंड सेल्फ सपोर्टिंग, फिजिक्स रेगुलर और सेल्फ सपोर्टिंग। BS प्रोग्राम एट न्यू कैंपस जो ना लोकेटेड एट आला शाह काकू में, न्यू कैंपस है उसमें, आर्ट हिस्ट्री रेगुलर और उसके बाद आर्ट चीफ स्टडी रेगुलर, उसके बाद अरेबिक एंड इस्लामिक स्टडी रेगुलर और सेल्फ सपोर्टिंग, BFA ग्राफिक डिज़ाइन रेगुलर, BFA पेंटिंग रेगुलर, एजुकेशन रेगुलर, उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट रेगुलर सेल्फ सपोर्टिंग, जियोग्राफी रेगुलर और सेल्फ सपोर्टिंग, ग्लोबल स्टडी रेगुलर, हिस्ट्री रेगुलर और सेल्फ सपोर्टिंग, मैथमेटिक रेगुलर और सेल्फ सपोर्टिंग, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस रेगुलर और सेल्फ सपोर्टिंग, रिमोट सेंसिंग एंड जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम रेगुलर और सेल्फ सपोर्टिंग, स्टैटिक्स रेगुलर और सेल्फ सपोर्टिंग, ठीक है। इसमें जो ना अप्लाई करने की लास्ट डेट 10 जुलाई है, ठीक है। टेस्ट जो होगा आपका 15 और 16 जुलाई को होगा, ठीक है। ऑनलाइन ही आपने अप्लाई करना है, मैं आपको अभी बताता हूँ कैसे आपने अप्लाई करना है। प्रोसेसिंग फ़ी जो है वो 1000 है, ठीक है, 1000 प्रोसेसिंग फ़ी है। और जो है 10 जुलाई तक जो ना आप प्रोसेसिंग फ़ी किसी भी बैंक में ना सबमिट करवा सकते हैं। जिन स्टूडेंट के मार्क्स 60% से अबव होंगे, वही स्टूडेंट जो है ना 2000 प्रोसेसिंग फ़ी मज़ीद सबमिट करवाएंगे और किसी भी डिग्रीज प्रोग्राम, ये जो डिग्रीज प्रोग्राम है इनमें जो है एलिजिबल होंगे एडमिशन के लिए, ठीक है। उसके बाद जो है हार्ड कॉपी सबमिट करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सिर्फ ऑनलाइन ही जो ना फॉर्म का सारा प्रोसेस होगा वो अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जिन स्टूडेंट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा उन्होंने अपनी जो है ना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने साथ ले जाने हैं, ठीक है। और ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए के वाले से बता दूँगी, UBL जो है ना वो मतलब आपने जो है ना फ़ी जो है ना वो अपनी UBL बैंक में ही सबमिट करवानी है, मतलब ऑनलाइन जो है ना मोबाइल के थ्रू जो है ना वो सबमिट नहीं करवा सकते, ठीक है। हार्ड कॉपीज प्रिंट आउट एडमिशन फॉर नॉट रिक्वायर्ड, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट लॉन्ग विद 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट विल बी रिक्वायर्ड, इंटरव्यू के टाइम वो रिक्वायर्ड होंगे, जैसा कि मैंने पहले कहा। सेपरेट एडमिशन फॉर जो है ना मतलब अगर आप किसी और प्रोग्राम में भी एडमिशन लेना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, ठीक है, समटाइम बच्चे जो है ना 2 से 3 प्रेफरेंस सेलेक्ट करते हैं, तो वो आपको सेपरेटली ही अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। मेरिट लिस्ट फॉर रेगुलर एंड सेल्फ सपोर्टिंग प्रोग्राम विल बी डिस्प्ले सेपरेटली, ठीक है, रेगुलर के लिए और सेल्फ सपोर्टिंग के लिए जो ना सेपरेटली डिस्प्ले होगी। उसके बाद एलिजिबल क्राइटेरिया, BS कंप्यूटर साइंस विद मिनिमम 50% मार्क्स, इंटरमीडिएट विद वन ऑफ फॉलोइंग, ठीक है, प्री इंजीनियरिंग मेडिकल वगैरह के, यहाँ पे टेस्ट के वाले से लिखा है, ठीक है, मैथमेटिक्स स्टैटिक्स और फिजिक्स, और जो ना कंप्यूटर साइंस फिजिक्स और मैथमेटिक्स, इकोनॉमी मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस, ठीक है। A level आर इक्विपमेंट विद 50% अबव मार्क्स होने चाहिए, वही स्टूडेंट जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। टेस्ट वेस्टेज के वाले से अगर मैं आपके साथ शेयर करूँगा, प्री एडमिशन टेस्ट वेटेज 40%, इंटरव्यू 20%, और जो है ना FA FSC विल कैरी 30% वेटेज एंड मैट्रिक जो है ना 30% वेटेज, ठीक है। उसके बाद अगर इन डिग्रीज प्रोग्राम की फीस स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ, तो फीस स्ट्रक्चर जो है ना हम यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन, और जो है अंडर ग्रेजुएटेड पोस्ट ग्रेजुएटेड, ठीक है, सेल्फ सपोर्टिंग और जो है ना वीकेंड प्रोग्राम, यहाँ पे जो ना सारे फीस देख सकते हैं। BS इंग्लिश 47,600, केमिस्ट्री 47,000, ठीक है, भैया 47,000 के राउंड बॉडी फीस स्ट्रक्चर है सबका। यहाँ पे जो है ना यहाँ पे BS माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी वगैरह का जो ना फीस स्ट्रक्चर थोड़ा सा ज़्यादा है। उसके बाद LLB का 82,000 जो ना फीस स्ट्रक्चर है, ठीक है,
बी एस आर्ट एंड हिस्ट्री का 69,000 है, ठीक है, एम एस इन क्लिनिकल साइकोलॉजी का 1,05,000 है, ठीक है, तो ऐसे जो है ना पी एच डी वगैरह का 97,000, मीडिया एंड कम्युनिकेशन जो ना यहाँ से आप जो ना फीस है, ऐसे जो ना अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम सेल्फ सपोर्टिंग का फीस है जो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है, सेल्फ का अराउंड बोर्ड जो ना 1,00,000 के अराउंड बोर्ड जो ना फीस स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, तो यहाँ से आप जो ना फीस स्ट्रक्चर देख सकते हैं। अब जो ना आपने ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है, तो ये यूनिवर्सिटी का लॉगिन पोर्टल है, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि करंट ऑनलाइन ऑफरिंग बीएस एडमिशन फॉल 2023, ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे सबसे पहले आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, साइन अप हेयर क्रिएट एन अकाउंट, ठीक है, यहाँ पे हम जो ना अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे अपना नेम, फादर नेम, सीएनआईसी, जेंडर मेल और फीमेल, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे अपना पोस्टल एड्रेस, सिटी कौन सा है, फ़ोन नंबर, ठीक है, ईमेल एंटर करेंगे जो एक्टिव ईमेल है, ठीक है, उसके बाद जो है ना नीचे पासवर्ड एंटर करेंगे, पासवर्ड जो है ना यहाँ पे पासवर्ड के लिए रिक्वायरमेंट्स हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से, एटलीस्ट 8 करेक्टर होने चाहिए, ठीक है, 8 जो है ना करेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए, अपर केस लेटर, ठीक है, 1 जो है ना अपर केस लेटर होना चाहिए, अपर केस लेटर से मुराद है कि कोई सिंबल वगैरह होना चाहिए, लोअर केस लेटर, ठीक है, मतलब जो है ना और 1 नंबर होना चाहिए, नंबर 1, 2, 3, 4, और लोअर केस से मुराद है कि ए बी सी डी जो है लोअर केस, ठीक है, उसी पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म करना है और साइन अप पे क्लिक कर देना है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने लॉगिन करना है, ठीक है, योर ईमेल एंड पासवर्ड जो है ना वही पासवर्ड और ईमेल यहाँ पे एंटर करके आपने जो है लॉगिन कर देना है, ठीक है, उसके बाद आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एकेडमिक डिटेल और जो है ना किस डिग्री प्रोग्राम के लिए आप टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, वो सारा इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, प्रोसेसिंग फ़ीस सबमिट करवानी है, तब आपकी जो है ना फाइनल सबमिशन होगी, ठीक है, इसमें जो है ना मैं स्टेप बाय स्टेप जो है ना आप कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं मैं जो है ना एक वीडियो बना रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ 1-2 दिन तक, ठीक है, इंशाल्लाह वो जल्द आप तक पहुँच जाएगी, फिर जो है ना आप उसको भी देख के जो है ना ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, इसके वाले से कोई भी क्वेश्चन हो आर्गूमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह जल्द।